हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक स्वान एनर्जी लिमिटेड है। ये स्टॉक गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 को 304 रुपए और 10 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 379 रुपए है और 52 वीक लो 192 रुपए और 65 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 284 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 317 रुपए और 70 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 332 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 342 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 289 रुपए और 35 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 275 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 266 रुपए और 95 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड है। ये स्टॉक गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 को 48 रुपए और 50 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 51 रुपए और 60 पैसे है और 52 वीक लो 27 रुपए और 35 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 44 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 49 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 51 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 55 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 47 रुपए, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 43 रुपए और 5 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 39 रुपए और 15 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड है। ये स्टॉक गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 को 431 रुपए और 60 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 594 रुपए और 15 पैसे है और 52 वीक लो 337 रुपए और 55 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 416 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 435 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 452 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 459 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 416 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 409 रुपए और 85 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 398 रुपए और 5 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा चौथा स्टॉक कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड है। ये स्टॉक गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 को 659 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 689 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 427 रुपए और 55 पैसे है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 632 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 672 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 688 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 706 रुपए और 85 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 632 रुपए और 45 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 617 रुपए और 25 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 598 रुपए और 40 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के लास्ट क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।